बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ताजदार अहमद है। जैसा कि आप मेरा प्रोग्राम देखते हैं दर्स कुरान का, इस्लामिक दर्स विद ताजदार। अभी ऐसा है कि मेरा चेहरा तो सामने नहीं दिखेगा, लेकिन मैंने सोचा कि आज दरअसल मैं अपनी माँ बाप की कब्र पे आया हुआ हूँ, और कब्रिस्तान है ईसा नगरी का। वहाँ एक गोरखन है जो कि सन 70 के दौर से काम कर रहे हैं अब तक। और उनको बाबा कितने साल हो गए आपको? 70 साल। यानी कि इनको 35 साल तो हो गए हैं। इनकी अपनी एक्चुअल उम्र 60 साल है, लेकिन माशाल्लाह लगते नहीं हैं। और ये एक छोटा सा बच्चा है यहाँ पे, इसको मोहित कुछ ही साल हुए हैं काम करते हुए। अच्छा, आज दरअसल मेरा जो टॉपिक है अपने पेज के हवाले से, वो टॉपिक ये है कि बाज़ लोग अभी भी ये समझते हैं कि जिन्नात का कोई तसव्वुर नहीं है, हालांकि कुरान शरीफ में सूरह जिन आ चुकी है। और इसके अलावा आजकल लोगों का ये मानना है कि जिन्नात नहीं है। लेकिन आज मुख्तसर वक्त होने के नाते मैं इन बाबा से मैं ये पूछना चाहूँगा कि उन्होंने क्या यहाँ पे एक्सपीरियंस किया। बाबा सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। शफी मोहम्मद नाम है मेरा। शफी मोहम्मद नाम है आपका। और बेटा आपका? मोहम्मद इमरान। अच्छा जी, तो बाबा आपकी क्या याददाश्त है कि आपने जो यहाँ पे 35-40 साल काम किया? मैं सन 81 से जब काम करता था। सन 81 से? 70 से लेकर 81 तक करूँगा। अच्छा जी। मैं पाकिस्तान में उस वक्त सन्नाटा होता था, जमाना सही था जी। सन्नाटा पोल बंदे मंदा नहीं था। अच्छा जी। कल कब्रिस्तान ही होता था। बिल्कुल बिल्कुल। जंगल में कब्रिस्तान होते हैं जी। अभी तो शहर बन गए हैं कब्रिस्तान जी। सही है ना भाई? जी जी। लोगों का आना जाना रश होता है, काफी रश होता है। रात को मगरिब के बाद रात 8-9 बजे का टाइम कब्रिस्तान से गुजर रहा था जी, गेट की तरफ। गेट की तरफ से? अच्छा। मैंने देखा कोई बच्चा सा रो रहा है, काला काला सा छोटा सा। अच्छा। वो रो रहा है, मैंने फौरन उसको उठा के, मैंने बोला किसी औरत का बच्चा हुआ रो रहा है, उसको घर छोड़ के आऊँ। अच्छा जी। मैंने फौरन उठा के बच्चे को गोद में उठा के चलने लगा। बिल्कुल। थोड़ी देर चला तो बच्चे का पैर जो है ना लंबे हो गए मेरे पैरों से टकरा। अच्छा, बच्चे के पैर लंबे हो गए? पैर लंबे हो गए। ओहो हो हो। मेरे पैरों से टकरा जैसा कि बब्बू कोई पीछे से मार रहा। अच्छा। कोई नहीं है, जब बच्चे को मैं फेंकने लगा तो चिपक गया। बिल्कुल चिपक गया। मैंने कमीज निकालने लगा। बिल्कुल। गड़प करके गिरा, शोले उबलने लगे। शोले उबलने लग गए? यानी कि ओहो। मैं फिर भागा, भागा 7 दिन तक बुखार रहा। 7 दिन तक आपको बुखार रहा? यानी ये सारा वाक्य आप कहना चाहते हैं कि आपका आंखों देखा है, जो कि आपने बिल्कुल होश आवाज में इसको महसूस किया, देखा अपनी आंखों से। सही। मैंने बोले जिन है। सही। यहाँ से फिर भागता हुआ घर गया, घर में बुखार चढ़ गया। फिर डॉक्टर होता था। बिल्कुल। वहाँ पर गया, फिर उसने बोला भाई हमारा काम नहीं, मुल्ले का पर्चा दम करेगा, खत्म। सही सही सही। फिर उसने हसरात मेरा उतार दिया। चलें चाचा, बहुत शुक्रिया आपका। शफी मोहम्मद हमारे साथ थे और इन्होंने अपनी चंद याददाश्तें रिगार्डिंग जिन्नात और मखलूक जो कि इस दुनिया में हैं, लेकिन हम आज इतने तरक्की याफ्ता दौर में भी ऐसी बातें करते हैं। हालांकि इन चीज़ों का रूहानी तौर पे रूहानियत है नाज़रीन, रूहानियत है, और हमें इस चीज़ से इनकार नहीं करना चाहिए। अच्छा बेटा, आप बताइए, इमरान आपका नाम है, आप बताइए आपकी क्या याददाश्तें हैं? कुछ याददाश्तें हैं, आपने कुछ देखा हो कभी, कुछ महसूस, यानी चलो ना भी देखा हो, कुछ महसूस किया कभी? डर होता था यहाँ से गुजरते हुए। ये जो आपका एरिया दिखा रहे हैं आप पूरा? अच्छा, ये आपने कहा पूरा? ये इस एरिया में बहुत डर लगता था मेरे। अच्छा, इस एरिया में बहुत डर लगता था आपको? सही। बिल्कुल। अच्छा, इसमें तो कोई भी शक नहीं है कि कई मरतबा ऐसा हुआ है कि मैं भी यहाँ पे आ चुका हूँ, रात में कुछ इत्तेफाक हुआ, शबे बरात की रात, कहने को तो रोशनी होती है, लेकिन उस एरिया में देख के वाकई बाकायदा डर लगता था कि कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और दूसरा एक दफ़ा का मेरा एक्सपीरियंस है, मैं एक चैनल का नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसका एक प्रोग्राम में शूट कर रहा था और उसमें एक सीक्वेंस दिखाना था कि बेटा जो है वो अपने बाप की कब्र पर खड़ा है। अच्छा, मैंने क्या किया कि मैंने अपने अब्बू की कब्र पर को खराज तहसीन देने के लिए मैंने इसका मोन्टाज दिखाया, ठीक है, अब्बू की कब्र को मैंने दिखाया और मैं इसके पास खड़े होकर मैंने शूटिंग की। था तो वो असर का वक्त, लेकिन था हुआ क्या कि मुझे इसी तरफ से कुछ आहटें हो रही थी, मतलब मेरा जहन बार बार उस तरफ जा रहा था। और बच्चे ने भी अभी ये जिक्र किया कि उस तरफ से जो है वो कुछ एंटिटीज़ पता चलती हैं। तो नाज़रीन, आज मैंने, शफी अंकल ने और बच्चे इमरान ने अपने एक्सपीरियंसेस शो मतलब आपके सामने जाहिर किए। तो ये कि आप लोग इस चीज़ को ना छुटलाइएगा, क्योंकि सूरह रहमान में अल्लाह ताला फरमाता है कि और तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को छुटलाओगे। तो नेमतों में फिर ये मखलूक भी आ जाती है, न सिर्फ ये कि आपके खाने पीने की चीज़ें जो कि अल्लाह ने पहाड़ बादल पानी आपके लिए बनाया, लेकिन ये मखलूकात, जैसे हम इंसान अशरफुल मखलूकात हैं, इस तरह ये भी मखलूक है और इनका भी पूरा एक दुनिया में राज है।
तो अब ये किस तरह हैं, कैसे बैठे हैं, ये हमारे आसपास होते हैं लेकिन हमें नज़र नहीं आते, लेकिन बाज़ दफ़ा अगर हमें महसूस हो जाए तो इसका हल है कि इंसान जो है अटल कुर्सी पढ़े, चारकुल पढ़ ले और अपने आप को एक हिसार मान ले, तो ये कि ये मखलूक तंग नहीं करती। तो आज इस टॉपिक के हवाले से ये पहला हिस्सा तैयार हुआ है। इंशाल्लाह हम रफ्तार रफ्तार जब भी कब्रिस्तान आएंगे तो शफी मोहम्मद जो बाबा हैं वो हमारे साथ अब हमेशा रहेंगे इस सेगमेंट में, इस्लामिक दर्स विद ताजदार में। इस वक्त बहुत बहुत शुक्रिया इमरान आपका और शफी अंकल आपका। इस वक्त मैं भी आपसे इजाज़त चाहता हूँ नाज़रीन, इंशाल्लाह दूसरे प्रोग्राम के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।